तो फाइनली गाइस यार जो अपना 600K लाइव वॉचिंग रिवॉर्ड्स रखा गया था, जो कि अपना फ्री फायर एशिया चैंपियनशिप की जो लाइव स्ट्रीम हो रही थी यूट्यूब चैनल पे, जिसमें आपको मतलब माइलस्टोन दिया गया था 600K लाइव वॉचिंग और 400K लाइव वॉचिंग। तो डायरेक्टली गाइस जैसे ही मतलब मेरे फ़ोन में नोटिफिकेशन आया और मैंने क्लिक किया तो देखा भाई 500,000 तो तुरंत हो गए थे, और जस्ट 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर वहाँ पे 643K मतलब 643,000 की वॉचिंग चली गई थी। भाई मैं तो देख के बिल्कुल शॉक हो गया था। फिर मैंने तुरंत यार आया, बस अपना एडिटिंग वगैरह ऐप खोला और तुरंत मतलब वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि गाइज इसका रिडीम कोड भी आ चुका है, क्योंकि आप लोग ना बहुत ज़्यादा इसका मतलब जैसे ही भाई 600,000 का वॉचिंग रिवॉर्ड हुआ, रिवॉर्ड ही इतने ओपी हैं कि भाई आप लोग तुरंत से यूट्यूब पर सर्च करने लगे, भाई वीडियो तुम लोग के कमेंट्स आने लगे थे तुरंत से तुरंत। तो मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा क्योंकि आप सभी को पता होगा कि आपको मतलब 600 के जैसे ही ये माइलस्टोन कंप्लीट होगा वैसे ही आप लोग को मिलने वाला था एक रिडीम कोड, जिससे आपको मतलब कि ये सारे रिवॉर्ड जो इमोट थे, ग्लू बॉल थे, ये सब आपको मिलना था। और इस सब को मिलने के लिए आपको चाहिए था एक क्रिस्टल टोकन, जो कि एक गोल्ड टोकन था 600K का और 400K का था सिल्वर टोकन, सिल्वर क्रिस्टल टोकन, ठीक है ना गाइस। तो वो आप सबको कैसे मिलेगा, आप सबको रिडीम कोड जो होगा मतलब जो ग्रीना वाले देंगे, जो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, वो आपको टाइप करके मतलब कि डालना होगा रिडेम्पशन साइट पे ग्रीना की, और वो आप जैसे ही वहाँ पे डालोगे तो आप लोग को मेल बॉक्स में ये क्रिस्टल टोकन मिल जाएगा। सो होप जिनको भी ये सब चीज़ें नहीं पता थी आपको पता चल गई होंगी। तो डायरेक्टली यार बात कर लेते हैं कि आप लोग को रिडीम कोड क्या है और टोकन कैसे मिलेगा। बट उससे पहले यार जो भी बंदे लोग वीडियो पे पहली बार आ रहे हो, अपना चैनल पहली बार देख रहे हो, आवाज़ पहली बार सुन रहे हो, सो क्या कर रहे हो यार, वीडियो को लाइक कर दो, तुम्हारा भाई बहुत मेहनत से वीडियो बनाता है। और हाँ, अगर ऐसे ही आपको इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखना पसंद है तो क्या कर रहे हो, फिर चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे प्रेस कर लो, कि ताकि जैसे ही मैं कोई भी वीडियो पोस्ट करूँ आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए और आप सबसे पहले देख लो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस जब ना मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाई थी 3 से 4 दिन पहले, जब ये मतलब न्यू ये सब सेक्शन आया था, सो इस वीडियो पे ना काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया था। और उस वीडियो पे मुझे मतलब कि मैंने बोला था कि आप लोग इन मतलब कि कौन सा रिवॉर्ड लोगे, क्योंकि आप सभी को पता होगा इन चारों में से कोई एक ही रिवॉर्ड आपको मिलेगा, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही टोकन मिलेगा, ठीक है ना गाइस। सो उस दिन ना बहुत सारे बंदे मतलब कमेंट कर रहे थे कि भाई मैं ग्लू वॉल लूँगा और मैं इमोट लूँगा, ठीक है ना। एक दो बंदों ने शायद से ये एक का कमेंट किया हो, बट मेन यही था। सो गाइस अब ग्लू वॉल और इमोट में आपको इन दोनों में क्या लेना चाहिए, सबसे पहले मेरी ये राय सुन लो, बिकॉज बहुत बड़ी गलती करने वाले हो आप लोग। अगर आप लोग कुछ बेकार चीज़ क्लेम कर लोगे फिर आप लोग बहुत पछताओगे, क्योंकि फिर दोबारा से आपको ये चीज़ फ्री में देखने को नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा डायमंड इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और शायद आप लोग डायमंड से लेने का भी सोचो ना तब भी ना ले पाओ, क्योंकि इवेंट फिर ये आए कि ना आए। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई ग्लू वॉल स्किन के बारे में। सो जैसे कि आप देख सकते हो भाई, मैं जब जाऊंगा अपने मतलब कलेक्शन में, कलेक्शन ही वेपन वाले कलेक्शन में, तो मेरे पास अगर मैं वॉल की स्किन देखूं, कहां गया भाई वॉल, ग्रेनेड में होगा, ठीक है ना गाइस। तो यहां पे मेरे पास 3 स्किन है, और जो कि कोई तीनों इतनी खास स्किन नहीं है, बट अगर आपके पास गाइस कोई भी ग्लू वॉल की स्किन नहीं है, ज़्यादा बड़ी लंबी वीडियो नहीं बनाऊँगा, बस थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। अगर से आपके पास कोई भी ग्लू वॉल की स्किन नहीं है, कोई भी लिटरली कोई भी नहीं, तो आप ग्लू वॉल की स्किन लेना। अगर से आपके पास कोई भी ऐसी वॉल की स्किन है तो आप ग्लू वॉल बिल्कुल भी मत लेना, ठीक है ना गाइस। अगर से आपके पास मान लो इमोट पहले से हो तो ले सकते हो आप, बट ये नहीं। अब मैं ये चीज़ क्यों बोल रहा हूँ कि इमोट लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारे मतलब जितने भी यूट्यूबर हैं उन लोगों ने बताया कि भाई आप वॉल ले लो तो तुम लोग वॉल लेने लगोगे, बट मेरी ऑडियंस ने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है, क्योंकि उसको मेरी बताई हुई चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि मान लो जैसे कि आप लोग को कोई बंदा नॉक करता है और आपको लोल इमोट दिखाता है, तो अब आप लोग वहाँ पर जब उसको नॉक करोगे तो क्या आप उसको ये वाला इमोट दिखाओगे, या फिर ये वाला जो कि मतलब आपके पास आप टॉप अप तो करते नहीं होंगे फ्री के, या फिर कोई बहुत ही ज़्यादा अमीर बंदा होता है तो वो ये सब इमोट दिखाता है। जैसे कि मान लो आपके गेम में कोई यूट्यूबर आता है तो आप उसे क्या करते हो, मतलब लोल तो नहीं दिखाते, क्योंकि आप उसको रिस्पेक्ट देते हो, तो आप उसको ये नमस्ते वाला इमोट देते हो, गलती से नॉक कर देते हो, या टीम अप करते हो, या उससे हाय करते हो। सो अगर से आपके पास गाइस लोल इमोट नहीं है ना, तो बिना सोचे समझे ये वाला इमोट ले लेना, क्योंकि वॉल की स्किन कोई ऐसी तो है नहीं कि कोई एबिलिटी दी गई है, एक्स्ट्रा चीज़ दी गई है नॉर्मली बस स्किन, तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़ी स्किन है, नॉर्मल ग्लू वॉल कम फूटेगी या ज़्यादा फूटेगी, मेन
काम ना इमोट का। अगर आपके पास गाइस ज़्यादा अच्छे अच्छे इमोट नहीं है तो बिना सोचे समझे ना बस ये वाला इमोट ले लेना, क्योंकि ये वाला इमोट ना गाइस बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। अगर आपके पास लोल इमोट नहीं है, कोई सामने वाला बंदा आपको इमोट दिखाता है तो आप ये वाला इमोट दिखा के भी मतलब उसे इजिली चिढ़ा सकते हो। बहुत सारे बंदे भाई कमेंट करते हो भाई लोल इमोट गिफ्ट कर दो, लोल इमोट गिफ्ट कर दो, तो फ्री का इमोट मिल रहा है, ले लो यार। अगर आपको फिर भी ये इमोट नहीं पसंद आ रहा है, कोई भी ग्लू वॉल का स्किन नहीं है, तभी ये लेना। बाकी आके आपकी मर्जी, आप समझ लेना, बट ये चीज़ को ध्यान से समझ लेना। सो अब होप कि आप लोग बिल्कुल समझ गए। अब हम लोग डायरेक्टली बात कर लेते हैं कि भाई हम लोग को यार रिडीम कोड क्यों नहीं मिला भाई, मतलब जो 6 लाख की वॉचिंग तो कंप्लीट हो गई, रिडीम कोड क्यों नहीं मिला, तो रिडीम कोड क्या है, कैसे मिलेगा। सो गाइस आप लोगों ने 600K का माइलस्टोन कंप्लीट करा दिया, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। अब आप लोग को रिडीम कोड मिल जाएगा, वो कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, सो वो ये है कि गाइस जैसे ही वो लाइव स्ट्रीम है ना, लाइव स्ट्रीम ऑफ होगी, लाइक अभी लाइव स्ट्रीम शुरू हुई है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, शायद आप अगर ये देर में वीडियो देख रहे हो तो ख़त्म भी हो चुकी हो, ठीक। तो सबसे पहले बता लेते हैं कि अभी मतलब लाइव स्ट्रीम चल रही है तो उस पर वॉचिंग 600K 1 मिलियन ऐसे क्रॉस कर रही है। ऐसा नहीं है कि आपको 6 लाख की वॉचिंग स्टेबल रखना ही रखना है, ऐसा नहीं है, बस आपने वहाँ पे 600K शो कर दिया, बस मतलब कि कंप्लीट हो चुका है। तो रिवॉर्ड की बात करें, रिवॉर्ड कैसे मिलेगा, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़न में रहते हैं, क्योंकि देख तो कुछ ही बंदे रहे होंगे ना ये वीडियो जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा है या जिन्होंने कहीं से सर्च करके ब्राउज फीचर में देख लिया हो वीडियो, तो वो लोग क्या सोच रहे होंगे कि भाई रिडीम कोड कहाँ मिलेगा। वो वहाँ लाइव चैट में टाइप करेंगे भाई रिडीम कोड, भाई रिडीम कोड, बहुत सारे छोटे ऑडियंस की पब्लिक है वो टाइप करेगी, या वो मतलब लास्ट तक देखती रहेगी, क्योंकि फ्री फायर वाले हैं ना, उनको चाहिए भाई स्टेबल वॉचिंग, क्योंकि जितने ज़्यादा वॉचिंग उतनी ज़्यादा उनकी अर्निंग और मतलब वो सब पॉपुलैरिटी भी होती है, सब्सक्राइबर्स भी गेन होते हैं, और प्लस मतलब हाई रिकमेंडेशन में मतलब लाइव स्ट्रीम उनकी वो होती है। तो इसीलिए गाइस वो लोग क्या करेंगे, जैसे ही एकदम लास्ट में सब फाइनल ख़त्म हो जाएगा, एकदम लास्ट जब स्ट्रीम ख़त्म होने वाली होगी, मतलब 3:30 बजे या 2:30 बजे स्ट्रीम स्टार्ट हुई थी, तो वो जैसे ही ख़त्म होगी मतलब 4 घंटे में 5 घंटे में जैसे ही फाइनल ख़त्म होगा, तो शाम को 7:30 या 8 बजे रिडीम कोड देखने को मिलेगा। जैसे रिडीम कोड मिलेगा मैं क्या करूँगा, या तो मैं न्यू वीडियो बना दूंगा, या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में देख लेना, अगर से वो स्ट्रीम ऑफ हो चुकी है तब आप ये वीडियो मेरा देख रहे हो, सो आप वहाँ के कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन से देख लेना। और सॉरी हाँ थोड़ा सा थंबनेल में क्लिक वेट करने के लिए, उसके लिए माफ़ कर देना, बट अगर से आपको ये रिवॉर्ड वाली मतलब इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो सो सब्सक्राइब कर देना, और होप कि आप सभी लोगों को कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो बस मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।